देश के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं उसके बारे में आज तफसीलात हम लोगों ने यहाँ पर हमारे डाइस पर बताई। हम लोगों ने आदाब नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा, E7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। विदर्क की ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट जनाब वहीद लखन ने अपने ऑफिस में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 271वीं यौम पैदाइश मनाई। इस मौके पर कई अफराद मौजूद थे। जनाब वहीद लखन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए मुल्क के तमाम लोगों को एक पैगाम देते हुए कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश हर किसी को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे मुल्क के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। और मजीद कहा कि गुज़श्ता 15 सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और कहा कि आने वाले दिनों में इस मौके पर कानून से इजाज़त लेकर रैली भी निकाली जाएगी। हमारे नुमाइंदे शेख अली की रिपोर्ट, E7 न्यूज़, बिदर। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश का 271वां दिन है। मैं इस देश के तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं उसके बारे में आज तफसीलात हम लोगों ने यहाँ पर हमारे डाइस पर बताई हम लोगों ने। और मैं पेपर न्यूज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दिन मनाया है। मेरा नाम सैयद वहीद लखन है, मैं मुस्लिम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का ज़िले का सदर हूँ। ये यौम पैदाइश का दिन मैं 15 साल से रेगुलर बनाता हुआ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से यौम पैदाइश का दिन मनाया जाएगा। उस और आने वाले दिनों में रैली भी निकाली जाएगी। अब बाज़ाब्ता हम जो है ना पुलिस से परमिशन लेके, गवर्नमेंट से परमिशन लेके धूमधाम से मनाएंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या भी हो। मगर हमारी ये गुजारिश है कि फिरखा परस्ती ना लाते हुए जो है ना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों को लाकर जो है ना उनके जो बेमिसाल कामें हैं उसको जाहिर करें। मेरी ये गुजारिश है तमाम के तमाम पार्टियों से, जो भी इख्तदार पर हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है। आज की यहाँ की जो गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट है इससे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि काम करने वाले की कदर करें, ताकि हमारे बड़े महान नेता जो गुजरे हुए हैं उनके कारनामों को पेश करें, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि अच्छा और बुरा क्या है, अच्छे आदमी की कदर होना चाहिए। मैं इंसानियत की कदर करता हूँ, मैं इंसानियत पर अमल करता हूँ। मैं इतना कहते हुए अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।